गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे एंड अच्छा ही चलता रहेगा। जो मैंने आपको बोलता कि जो व्लॉग है, जो अच्छा वाला व्लॉग है वो ये वाला है, बिकॉज मेरा बर्थडे है एंड भाई का बर्थडे है भाई, सिंपल सी बात है। आज तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं, 10:30 ही बज रहे हैं। थोड़ा सा लेट ही उठा था मैं, तो बात ऐसी है कि आज का प्लान ये है कि आज टुडे आई विल बी सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे विद द एनजीओ एंड छोटे बच्चों के साथ। तो उनके लिए बहुत सारा अरेंजमेंट मैंने करा था, तो वो मैंने सैटरडे को करा था, यानी 2 दिन पहले करा था। तो उसका जो है वीडियो क्लिप मैं अभी डाल दूंगा इस कन्वर्सेशन के बाद, आप देख लेना क्या क्या था। ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। और अभी आज भी एक दो चीजें मैंने बोल रखी बनने के लिए, जैसे केक है और समोसे हैं, वो मैंने बोल रखे हैं, तो वो भी लेके आने। जादू आएगा, जादू के साथ जाएंगे वहां पे, आपको दिखाते हैं, बच्चों से मिलवाएंगे, बातें करेंगे, शेयर करेंगे, सब कुछ एंजॉय करेंगे। भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है बर्थडे। घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर लिया था रात को ही, तो भाई ये नहीं है कि घर वालों के साथ नहीं करते, घर वालों के साथ भी कर लिया है। अब वहां पे सेलिब्रेट करेंगे, फिर शाम का देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाद में बता देंगे। तो भाई अभी मैं नहा लेता हूँ अच्छी तरीके से, नहाने याद फिर ड्रेसअप कर लेता हूँ। ऑब्वियसली अब बर्थडे थोड़ा ढंग से तैयार हो जाते हैं, वैसे तो लिचड़ ही कई बार नहीं होते, तो आज हो जाते हैं, ढंग से तैयार हो जाते हैं, ड्रेस ले भी रखी है तो पहन लेते हैं, वो दिखा देंगे एंड दुकान पे जाके फिर आके फिर जो जितना पेंडिंग काम है सारा वो करके फिर अपना एनजीओ चलते हैं, वहां पे मजे करते हैं। तो ठीक है, रेडी हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, बाकी आप वो क्लिप देखो। ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, आज है भाई सैटरडे है एंड अभी दोपहर के बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं एंड अभी दीदी और मैं जा रहे हैं भाई हस्ताल रोड जा रहे हैं और आसपास की मार्केट उत्तम नगर में जो रहता होगा सब पता होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एनजीओ के लिए जो सामान लेना है, जो बर्थडे को मेरा बर्थडे है उसमें एनजीओ में जो बच्चों को देंगे तो वो सामान लेना है, सही मिल जाएगा, ज़्यादा लेना है। आई थिंक अराउंड 40-50 किड्स होंगे मोस्टली, तो उनके लिए एक चीज़ जो उनके काम आ जाए, बाकी खाने पीने का सामान है अरेंज करवा देंगे। तो मंडे को ही लेके ही ले लेंगे, मतलब जो खाने पीने का सामान है वो मंडे को ही ले लेंगे, जो बनवाएंगे जैसे समोसा ब्रेड पकौड़ा कुछ भी वो बोल देंगे, वो बना के रख लेंगे, तो हम गरम गरम ले आएंगे एंड देन जाके सर्व कर देंगे वहाँ पे। और बाकी जो चिप्स विप्स है वो तो वैसे यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई अभी चलते हैं वहां से लेके, फिर जब सामान ले आएंगे और सेटअप करेंगे सारा तब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी नहीं दिखाऊंगा, तब दिखाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। भाई आ तो गए, अब आपको दिखाता हूँ एक्चुअली लिया क्या है। समोसे मैंने बोल रखे, बट समोसे भाई भैया ने बोले कि मंडे को आप मेरे को 1.5 घंटा पहले 1 घंटा पहले फोन कर देना, मैं बना के रख दूंगा। बाकी बात रही केक की, मैं केक भी लेके जाऊंगा 2 किलो का, बट वो भी शॉप बंद है जो हमारे पास रहती है घर पे, जो अच्छा बनाते हैं। बाकी और भी बट ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं वहां से भी बोल दूंगा उन्हें। तो भाई क्या लाया पहले आपको दिखाता हूँ। पहले एक्चुअली मैंने बॉल्स, ये बाद में दीदी ने मेरे को सजेस्ट करती कि ये ले ले, क्योंकि छोटे बच्चे सॉफ्ट है, ये लगती भी नहीं है, अगर ज़्यादा भी ज़्यादा जोर से नहीं लगती, लगती तो है पर ज़्यादा जोर से नहीं लगती। बच्चों को खेलने के लिए और स्माइली है तो एक मोटिव भी हो जाएगा कि भाई बच्चे खुश रहे। फ्रूटी लिए सबके लिए 10 वाली और ये इसमें पेंसिल सेट है, जो पेंसिल इरेजर शॉर्पनर और स्केल होता है। बाकी लेज लिए हैं और एक प्लेट वो भी ले रहे हैं कि प्लेट भी ले जाएंगे। बाकी चार्ट लिया है इस पेटी को सजाने के लिए, क्योंकि अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पर जो है अच्छी तरीके से सजा के लेके जाएंगे इसे। ठीक है, तो अभी ये सारा सामान रख लेते हैं और जो बाकी बाद में आएगा वो भी दिखाएंगे क्या क्या आएगा, तो वो दिखा के फिर आपको आगे दिखाते हैं वहाँ पे एनजीओ में। ठीक है, बाय बाय। तो भाई रेडी हो गए, ये देखो तुम्हारा भाई रेडी है। और ऑब्वियसली वन चीज इज मैंडेटरी, वो है भाई बजरंगबली का टीका, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, तो फिर ये लगाते हूँ अपने बर्थडे पे। बाकी बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है? 8/10 भाई, थोड़ा कुछ ज्यादा ही जेंजी लुक हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है, पर भाई शर्ट बड़ी अच्छी फिटिंग वाली है भाई, टेड बेकर की है तो माननी पड़ेगी, पैसा वसूल होता है इन चीज़ों पे। ठीक है, तो रेडी हो गए हैं, अब शाम को जो भी एनजीओ का काम है वही आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। जादू वादू का आता है, सुमिल वाते सामान बाकी सब दिखाएंगे आपको। ठीक है, बाय बाय। क्या हाल है? धन्यवाद भाई। समोसा लेट कर दिया उसे, 1.5 घंटे पहले फोन कर दिया था बनाने के लिए। चलो अभी अभी एक काम करो, अभी सीधे चलते हैं, क्योंकि 4:40 तक उसने आने को बोलते, 4:45 तक। अभी कितना सही उसमें जा रहे हैं, सेक्टर 13 वाले पार्क में, डीडी वाले। एक बार मैं पहले सामान ले आता हूँ अपना वो ऊपर से, और क्या एक बार तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या है, क्या लेके आया भाई तू? इसको फ्रिज में कटवा ले। अब क्या फ्रिज में रखवाएगा? काटो भाई, कटवाओ। क्या अगले से नहीं चक्कू छुरी लेके नहीं घूमते तुम भाई? तेरे वहां पंजे है तो नहीं लिए?
अच्छा मोती भी जलाना, मोती जलाने की जरूरत नहीं है, पागल है क्या ये, बस ठीक है। पता क्या लिखवा कर लाया थे अंकल को, स्पेलिंग बताई मैंने अंकल, ये स्पेलिंग है इसकी, लिख दे इस पे कैसे क्या क्या लिखा था पागल है यार, तू यही लिखेगा क्या, बी एच ओ एस, रहने भाई रहने दे, ये तो लिखा भी नहीं था इधर, तो मैं लिख देता हूँ टॉमी, मैं तो वो लिखा था, वो चॉकलेट करता हूँ सच्चा प्यार करता हूँ अरे बच्चे अभी मैम आई इनकी, ये भाई हर टाइप के एनजीओ पे बड़े बूढ़ो बच्चों पढ़ाते हैं, पढ़ा छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं रेगुलर बेसिस पे, और है भाई ये सारे बच्चे बैठे सर्कल में बैठा रहे हैं, फिर अभी मैम आएगी, मैम आएगी फिर सर्व करते फिर दिखाते क्या है, देखो ये दोनों भी मेहनत कर रहे हैं साथ में, कर दे भाई थम्स अप कर दे तू भी बर्थडे गिफ्ट दे यार, क्या दे रहा बर्थडे गिफ्ट, नहीं करते महंगी माचिस है माने कर रख ले यार माने कर, ठीक है वेट करता भी निकल फिर करते सारा काम, हैप्पी बर्थडे टू यू साईं भैया, हैप्पी बर्थडे अभी सबको समोसा मिलेगा, केक सब खा रहे हो ठीक है, तो अब समोसा मिलेगा, सब अपनी प्लेट एक बार आगे रख लो, अभी फिर अभी मैं आपको एक एक करके सबको समोसा मिलेगा, बड़ा सर्कल बनाओ पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे जाओ, कोई बात नहीं एक प्लेट वापस कर देना आप, तो कोई बात नहीं आप अपने सर्कल उसमें ही रख लो। हेलो गाइस, तो राइट नाउ आई एम विद आदित्य जो है आपके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताएंगे और भैया आदित्य बताओ कहाँ से हो और क्या आपका वर्क करता है। ओके सो हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य कुमार और मैं डीडीयूसी कॉलेज है हमारा, उसी के उसमें एक एनजीओ है, उसकी तरफ से लाइक मैं हेल्पिंग हार्ट्स एनजीओ में बेसिकली करता हूँ, और हमारा काम होता है बच्चों को पढ़ाना ठीक है, और ड्राइव करवाना, फूड ड्राइव, क्लोथ ड्राइव, एवरीथिंग्स वी डू लाइक एवरीथिंग, और आज साहिल का बर्थडे था तो मैं और साहिल मिलके सोचा कि सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ साहिल का बर्थडे, सो और दैट्स ऑल। बाय द वे इनका इंस्टाग्राम भी है हेल्पिंग हट करके, यस yes, और हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है लाइक सॉरी हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं हेल्पिंग हट के नाम से, हेल्पिंग हट के वहाँ पे आप जितने भी इनके एक्चुअली जितने भी हमारे मेंबर हैं जितने भी इनके मेंबर हैं वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कौन क्या कर रहा है क्या है वो सब मिल जाएगा, एंड प्लीज डू फॉलो देम, अगर आपको भी कुछ ऐसा करना है यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम, यू कैन कॉल देम, तो भाई प्लीज़ करना, मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर सबसे बात करके बच्चों से, प्लीज़ इनिशिएट करो, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं तो फेमस होने के लिए उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, नहीं भाई अगर मेरे को देख के कोई एक बंदा ही मोटिवेट होता है करने के लिए दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट दीज गाइज हैव 127 फाइव स्टार रिव्यूज़ विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एंड दैट इज़ थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर देम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज मैंने बहुत ढूंढा मेरे को ऐसा नहीं मिला मैंने घर के पास, तो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो अगर मैं करूँगा तो इनके साथ ही करूँगा मोस्टली, तो भाई आप प्लीज़ इनके इंस्टाग्राम पेज को चेक कर लेना नीचे आ रहा होगा यहाँ पे कहीं पे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस, इट वॉज अ प्लेजर मैन, तो प्लीज़ चेक द पेज एंड विल सी यू आगे जो भी करेंगे ब्लॉग में, ठीक है बाय बाय। हटो एक बार हटो लाइन छोड़ कौन यहाँ पे पढ़ता है पहले बताओ, तो सबको एक एक करके इसमें पेंसिल सेट दे रहा हूँ, कोई किसी को मारेगा नहीं, जो नहीं पढ़ते वो फिर भी अपने घर में ले जाके किसी को दे देना, किसी को मारना मत इसे लेके ठीक है, कहीं लड़ने लग जाओ निकाल के, क्या करोगे पढ़ाई के लिए यूज करोगे, और इसके बाद जो जो ज्यादा कचरा है वो कहाँ जाएगा डस्टबिन में ठीक है, चलो एक एक करके चलो बाय बाय।
कभी भी गुस्सा है इसको 10 बार दबाना है, एक दूसरे को बॉल से नहीं मारना, ठीक है? पी करनी है जादू को, मैं मेरे को इसको करनी है, मेरे को करनी है पू पी पू पेगा स्मैश खेल ले, लास्ट टाइम गए थे बॉलिंग कर लेंगे और वो कर लेंगे ना, फिर मैं बताता हूँ टॉयलेट यहीं पे आ जाए भाई, रेडिसन आया स्मैश में खेलने के लिए और फिर यहीं पे खाएंगे भी। अरे गोटे चमक रहे ये देख लो जूतों को, देख लो लेसी दोरी साइड मार, शर्ट देखो चमक रही है मेरी, ये बड़ा ऐसा ही है, ये तो समझ लगा सेट कर रखा है, चल 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 भाई, ये कर रहा है हॉरर प्लैंक वीआर में लगा के, अब इसकी लगेगी ये नारा वापिस, ये सब बांध दो बढ़िया तरीके से, गिरना चाहिए सिर लगता तेरे लग गए भाई, तेरे तो लग गए भाई, इसको लग रहा है डेड मूंजी सी हो गई अंदर, धीरे धीरे चल भाई, अभी आया स्प्रिंग्स में, आया अपना खाना खा के फिर दोबारा खेलने जाएंगे, बाहर का व्यू देखो कितना प्यारा हो रखा है, थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ शीशे में लगा के देखो, अब भाई स्प्रिंग्स में आया, यहाँ पे पता ही है बफे है, बफे है स्प्रिंग का हमारा, तीनों खाएंगे, मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ क्या क्या है, क्या क्या खाएंगे, क्या कर लेंगे, ठीक है? अरे भाई ये है अनानास टिक्का मशरूम का है, ये कैनोली है, नूडल्स है, क्रीमी कॉर्न है, यही लिया अभी सबने, स्टार्टर्स ही लिए, फिर इसके बाद लेंगे अपना मेन कोर्स और फिर बाद में आपका डेजर्ट लेके दिखाते हैं, वेंचर फोटोशूट चल रहा है देखो नवाबों का। मैं निकलता हूँ भाई, फाइनली फाइनली द टायरिंग डे इज ओवर, but I have to say one of the best days in my life I had, genuinely this was one of my best decisions ever, and I think I'll keep doing this now on and off camera because nothing should be, I think it's not always about the on camera thing, it's I do donations and all, but wo donations hai, working for and doing this type of stuff was something new and I really 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 enjoyed it, and if you have means please ek bar aap bhi try karke dekho, you will feel so good bhai, my mind is so like many things happened, kuch cheeze thi din ke jo thoda mood kharab kar sakti thi, but because of this one thing NGO thing, I mean it's so good, mind relax hua, bachcho se baat kari, made a lovely vlog and made a lovely reel on Instagram, if you want to check out you can go check out Instagram description mein hai, I mean unse baat karke and how they treat you, saying thank you, like little things, it's like so pleasing and so acha laga bhai aaj mere ko, genuinely again thank you everyone for the wishes, who wished me happy birthday, thank you so much, means a lot, genuinely means a lot, and thank you for the NGO Helping Hut for providing me this type of opportunity,
that I can do this. And thank you, Aditya, also, if you're watching my vlog, maybe not, then thank you. Aditya was the guy, you know, dekh liya hoga waise vlog mein. Thank you him and mere punter log, mere dost, Jadu aur Deepak ko to kya hi bolu, sadabahar hai bhai. Isliye unse yaar, unse kya hi bolu, wo to bhai bhai apne school time se, to unka to kya hi bolu. Really enjoyed my day. And last year I told myself just keep going, keep doing and everything. वो चीज़ मेरे को याद है. And for the next year, same चीज़, keep doing. जो कर रहे हो अच्छे रहो, अच्छे mind से करो. Few things to add की अच्छे mind से करो. And just do it if you want to do it. Just don't procrastinate. अगर procrastinate करते तो चीज़ें book करने से लोग हिचकिचाते हैं. तो that is new tip for me अगले साल के लिए. Working even harder, working on my body. I think one of my goals for the next year तक का birthday का ये भी रहेगा कि अपनी एक थोड़ी और physique को upgrade करके, थोड़ा और अच्छा करके, focusing on few different other goals and focusing on YouTube as well. I just do this because I love it. It's also ये बात भी है कि भाई memory के तौर पर भी रह जाती है कि यार memory है एक अच्छी. बेशक even though maybe I might never grow, but मेरे लिए एक journey, और जो भी लोग ये vlogs देखते हैं उनके लिए भी एक journey होगी. वो देख पाएंगे कि how everything went and how it is. And I'm really thankful to God and my parents कि I am able to do this. And उन्होंने इतना काबिल बनाया मेरे को to do this on my own. I mean, it's a surreal experience. I can't explain in words. I mean, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को. And next day is going to begin. 25 अप्रैल होने वाला है. Recording at 11:55. तो भाई vlog को यहीं end करते हैं. If you have needs, if you can do this type of thing, definitely please एक बार try करा. मैं तब से Instagram नहीं follow करा, जाके वो reel देखो, Instagram description में. And I love you guys from bottom of my heart. Thank you so much. It's been 1 year. This was the last time. Last year मैं इस समय सोचा था कि I'll record something and vlog and मैं post करूँगा. And I posted on May 3, my first ever vlog. The thought of recording, never coming in front of camera, ताकि अपनी शाइनेस हटाऊँ कि अपने आप को दिखा सकूँ मैं, वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट फियर को जो मैंने ओवरकम करा. एंड 1 year लेटर आई एम स्टिल पोस्टिंग व्लॉग्स. इवन दो दो डालता था, बट अब एक डालता हूँ, बट वीकली डालता ही हूँ व्लॉग्स. एंड आई कैन शो माई लाइफ एंड शेयर इट एंड कीप इट एज अ मेमरी. तो दैट मीन्स अ लॉट. थैंक यू एवरी वन फॉर सपोर्टिंग माई जर्नी एंड कीप सपोर्टिंग मी. बस यही प्यार चाहिए मेरे को आपका. एंड लव यू गाइस सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा तो यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हेलो गाइस, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जादू का भी एक यूट्यूब चैनल है एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज जाके एक बार चेक कर लेना. भाई बहुत सही वीडियो डालता है, वीडियो भाई के एडिट करके, एंड गेम प्ले की भी आती है और भी आती रहेंगे वीडियोज, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना. थोड़ी सी तबियत लो कर रही है, लो चल रही है. मैं May 3 को डालने वाला था इस ब्लॉग को. होपफुली May 3 को आ जाना चाहिए. अगर May 3 को नहीं आ रहा तो May 4 को तो आ ही जाएगा. May 3 में सोचता कि यार एक साल का वो जो है एग्जैक्ट May 3 पे डालूंगा तो सही रहेगा. अब देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा. नहीं आएगा तो May 4 पर तो डेफिनेटली आ जाएगा. तबियत खराब चल रही है, ये तो मैं 2-3 दिन बाद ही डाल देता बर्थडे के. बट कोई बात नहीं, डाल देता हूँ. जैसा भी डाउन चल रही, फीवर हो रहा है और गले में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा. तो भाई यही था, बाकी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. बाय बाय.